जो सिमरन भजन बंदगी अखा जो पानी निकलता वो पानी नहीं, वो पानी भी अमृत बन जाता। हर अमृत पीने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे, बेनती करा अखा च छटे मारे कि तेरिया अखा की मैल कटी जाए। दूसरी कृपा आप कहने शीस विच क्यों पाया अमृत, केसा विच कहा जाता है केस तो हजूर ने दाड़े ते भी दिते, साडे तन उत्ते रोम रोम ने प्यारे। एक मेरी बेनती होर सुनियो, देखो एक एक रोम विच गुरु की कला वर्त की है बंदगी करने वाले नु पता क्यों सिख रोम नहीं कटदा। एदा मतलब के एक दिन आत्मक मंडलां विच बंदगी करदियां करदियां इत्थे पहुंच जांदा है, एदी जबान बंद हो जांदी है, रोम ही जबाना बन के रब की बंदगी कर लग पैंदे। गुरमुख रोम रोम हर ध्यान है। एनु जपजी साहिब च महाराज जी ने कहा एक दो जीवो लख हो है, लख हो मैं लखवीस, लख लख गेरा आखिया एक नाम जगदीश, ए तरह पत पवड़िया चढ़िया होए, इक्कीस इक्कीस एक में कोके। पर जदो शीश विच पाया अमृत, देखो शीश एनु गुरुदेव ने कला दिमाग नहीं किया, वाणी में जिसन गगन दमामा किया। जदो उस गगन दमामे विच गुरु ने अमृत का संचार किया तो ना क्या लै सिखा कि मैं तेरे दसम विच बारो अमृत सिंह देना। जदो तू शब्द का अभ्यास करेगा सच एवे एक दिन इस अमृत का सवाद तेन रोज आया करे। अभी बेनती मैं करा मुख विच अमृत छका दिता, कदी सोचे कि जिस बाणी नाल अमृत तैयार किया ओही बाणी नितनेम दी दे दिती। जिस बाणी नाल अमृत तैयार हुंदा ओही बाणी नितनेम दी गुरदेव ने दे दिती। एदा एक कारण सी कि पानी गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे रखिया ते पंजा गुरु के सिखा ने उस उपर अपनी नजर गड़ा के ते उन्हां ने अपने खत बाटे नूं पा के पंजा ने वारी वारी एक एक बाणी का पाठ किया। जिस बाणी का पाठ पंजा ने किया पानी अमृत बन गया। तू रोज इन्हां पंजा बाणियां का नितनेम करी सच एवे तेरे अंदर भी अमृत का संचार रोज होया करे। अमृत संचार किया है, संचार दर ते चलना। मैं जेडी बेनती दस कर लगा सी थोड़ा जा खिन विचो निकलिया सा कि देखो प्रहलाद सिंह जी ने कहा कि गुरु पंथ जी मान्यो पर विद गुरा की दे, क्योंकि एदे कोल जुगत कह जोत गुरु ग्रंथ साहिब कोल कह। पर जेड़ा सी दोहरा रोज पढ़ने आ अरदास तो बाद ए असल च ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्हां दा पंथ प्रकाश लिखिया ते पंथ प्रकाश विच ए ओ कांड है, ओ अध्याय है, ओ चैप्टर है जिथे सतगुरु प्याना करन तो पहला सिखा नूं अपने वालों हुक्म देंदे। ए पूरा दोहरा दास पढ़ देंदा है कि आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो। उथे शब्द मानियो लिखिया गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। अगे की लिखिया है कहंदे ने अगे शब्द लिखदे ने सब गुरु प्रगट भय पूर्ण हर अवतार, पंथ प्रकाश सब गुरु प्रगट भय पूर्ण हर अवतार, जगमग ज्योत विराज की श्री गुरु ग्रंथ बजार। अगलिया तुका ने जो दर्श है चाहे गुरु को, एदा मतलब जिन्हें गुरु दे दर्शन करने ने, सो दर्श है गुरु ग्रंथ पढ़े सुने स्वार्थ लय परमार्थ को पंथ। अगलिया तुका ने वाहे गुरु गुरु ग्रंथ जी, शब्द में फिर कहने लगा वाहे गुरु गुरु ग्रंथ जी, ऊबे जहाज उधार जो शरदा कर सेव के सो भाव उतरे पा। ए ज्ञानी ज्ञान सिंह दे दोरा हूं जेड़ा सी शब्द पढ़ने राज करेगा खालसा, ए किन्ना दा लिखिया असच ए लिखिया है भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी उन्हां दी रचना विच दो सत्रा ने कि आग्या भई अकाल की तवे चलायो पंथ तो बाद, ये जरा दो तुकाने के राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए खवार होए सब मिलेंगे। कई ऐसा पाठ मलेंगे भी कर दे खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो हो। पर एक शब्द का गुरु ग्रंथ सानू कोई भी पूछे कि ए की है जिन्हों तुसी मत्था टेकदे, असी ए शब्द कहांगे ए मेरा इष्ट है, असी इनू गुरु ग्रंथ साहिब कहने
देखो जेड़ा बंदा पहले दिन आया है ओनू नहीं पता भी एदे विच की है ओ तां अपनियां पवित्र किताबां दी तरह समझेगा क्योंकि अज भी साडे लोग ए शब्द वर्तन लग पए ने के होली बुक है नहीं प्यारे हो ए शब्द ना वर्तिए केवल दुनिया विच इको ग्रंथ है जिस नू गुरु ने अपने पंजां तत्तां दी देह दी हयाती विच मुकम्मल कराया आप प्रकाश किया ते अपने प्याने तो पहला जिस ग्रंथ नू मथा टेक के गुरता गद्दी जेड़ी सी ग्रंथ नू दे दे ग्रंथ बड़े ने पर गुरु ग्रंथ केवल एक क्योंकि कई साडी जबान ते शब्दावली ऐसी चढ़ गई है असी दूजिया नू समझान ले मेरा ख्याल अपनी शब्दावली ऐसा ऐसा चेंज कर गए कल भी मर्ज की असी कह दें कि खोली बुक नहीं प्यारे हो कोई भी आवे यत्न करो थोड़ा जा समझान लई कि एक गुरु ग्रंथ साहिब है ओनू एक दिन समझ पाएगी हुण देखो असाडी जबान ते सी बच्चियां नू कहने आ कि गोल्डन टेंपल है नहीं प्यारे हो गुरु अर्जुन देव जी ने जो तैयार किया ओदा नाम गोल्डन टेंपल नहीं गोल्डन टेंपल ता सुनहरी मंदिर शेरे पंजाब ने सदियां बाद के सोना लाया लोग कहन लग पे गोल्डन टेंपल ए सोने का मंदिर नहीं ए खरी मंदिर है मेरी बेनती समझे गुरु ग्रंथ साहिब च तुक हुंदी हर जपे हर मंदिर साजिया धन गुरु अर्जुन देव जी कहिंदे ने खरी नूं जपन लई ए खरी मंदिर बनाया है हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम जां गुरुदेव ने शब्द वरत्या जिथे सबे थान नहीं तुद देना वधो पुरख विधाते तां तूं सोया देखो ए दरबार साहिब है एक दो शब्द असी वरतनिया खरमंदर के दरबार भावे मेरा प्रकरण ही अज दा मैं थोड़ा जा विचो निकलिया की कारण के दरबार साहिब च अंदर पान की क्यों नहीं जांदे आपां जदों सवेरे दर्शन करने इत्थे भी लाइव चलदा हुण के अंदर पालकी नहीं जांदी अकाल तख्त साहिब तो पालकी थले ते हरमंदर साहिब स्वरूप जान लगिया पालकी नहीं पालकी बाहर है क्यों चंदोवा लाया गया है क्यों चौल कीता जांदा है क्यों सिख रुमाले भेट करदा है क्यों गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने देख रखदा है ए गल्लां छोटियां नहीं इस गल विच बड़ी वड्डी रमज है पुराने समय सारी तुसी हिंदुस्तान दी इंडिया दी हिस्ट्री बोल के देखो बादशाह नू लोक प्रजा पालक रिजक दाता एतो तक कहिंदे सन दलीसरो वा ईसरो जो दिल्ली का मालिक वो भगवान है रोज लोक राजे नू भगवान कहिंदे सन उन्हां दे सिर ते चंदोवा हुंदा सी उन्हां दे सिर ते छत्र चुरदे सन उन्हां नू चौर कीती जांदी सी मेरे गुरु ने कृपा कीती बंदे दी बादशाह दी गुलामी सदा ही खत्म कर दिती कह लगे जे तू मथे टेकने चवरी करनी है जे किसे शत्र वाले अगे झुकना है ते बंदे अगे ना झुक बंदे ने एक दिन खत्म हो जाना आ मैं तेनू शब्द गुरु दे लड़ लाना जेड़ा जुगो जुग अटल रहिंदा देखो दुनिया दे बादशाह दी गुलामी तोड़ी ए कारण के जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने आ ते रब दे सिंघासन दी गल करदे आ वी गुरु ने कहा कि बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेचर चौर शाह जां गुरु अर्जुन साहिब बारे कहा भट्ट साहिब ने कि तख्त बैठा अर्जुन गुरु सतगुरु का खिवे चंदोवा असल विच ए चंदोवे ए शतर कले अदबी नहीं प्यारो सच एवे ए निशानी है सिख दे अंदर दी आजादी दी सिख किते भी कोए दुनिया दे बादशाह तो पहला थां अपने गुरु ग्रंथ साहिब नूं दिंदा ए पातशाह में शब्द जो कहन लगा गुरु ग्रंथ साहिब है असी कह दियां वी साडा इष्ट पर जेकर तू पुछ लै वी गुरु ग्रंथ दे अर्थ की ने अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब दे ते आपां मेरा ख्याल है बार बार ही शब्द कहांगे कि प्रयावाची शब्द वरतांगे थोड़ा जिहा मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो ते शब्द सुन वाला है असल विच गुरु ग्रंथ साहिब विच पहली गल है कि जिस बंदे नूं गुरमुखी दा पता नहीं आपां की दसांगे विच की है बस ओनू चार गल्लां जिंदगी च पल्ले बन लो ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖੀ ਮੱਥਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ